बोलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर योगेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। टुडेज टॉपिक इज कोलाइडल स्टेट आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन ऑब्जेक्टिव, सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है अपने? सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री सॉल्यूशन एंड कोलाइडल एंड सस्पेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स, इमल्सन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेशन। व्हाट इज द कोलाइड? तीन तरह के सॉल्यूशन है आपके, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन वे हैं जिनमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल साइज है, सॉल्यूट की विलय की पार्टिकल साइज है वो आपकी 1 नैनोमीटर से कम होती है, वो होते हैं आपके वास्तविक विलयन। कोलाइडल सॉल्यूशन वो है, दूसरा है सस्पेंशन। निलंबन वो है जिनमें पार्टिकल साइज आपके 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज, विलय के पार्टिकल की साइज। और कोलाइडल सॉल्यूशन वे हैं जिनमें सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब जी सर, कोलोइडल जो सॉल्यूशन है आपका, उसमें जो आपको बताया कि सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। दो तरह की फेज है कोलोइडल सॉल्यूशन में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था को हम डिसकंटिन्यूअस फेज कहते हैं, असतत प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम को कंटिन्यूअस फेज कहते हैं, सतत प्रावस्था। तो अब और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनको। मिल गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सबसे पहले नेचर की बात करें, नेचर कैसी है? ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस है, समांगी विलयन है आपका, सस्पेंशन आपका विसमांगी है, और कोलाइडल सॉल्यूशन आपका दिखता तो समांगी है, एक्चुअली विसमांगी होता है। जैसे आपने थोड़ा सा एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल लिया, घोल लिया, तो वो क्या बन गया आपका? ट्रू सॉल्यूशन बन गया। अब ट्रू सॉल्यूशन मतलब एक ही प्रावस्था है उसमें, पूरा समांगी है वो। सस्पेंशन निलंबन में थोड़ा सा रेत लिया, उसमें पानी में डाल लिया, तो वो विलय नहीं होगा उसमें, और वो होगा आपका हेटरोजीनियस सिस्टम, निलंबन सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन आपका जैसे मिल्क है आपका, उसमें आपको दिखता होमोजीनियस एक ही प्रावस्था दिखते, लेकिन एक्चुअली उसमें दो प्रावस्था है। कौन कौन सी? एक तो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। दूसरा है पार्टिकल साइज, अभी बताया था पार्टिकल साइज आपका। कोलाइडल ट्यू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है, और सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से ज्यादा है, और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल जो साइज है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का मतलब है उसको जैसे एक कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा रहने दो, निलंबन को थोड़ी देर रखा रहने दो, तो निलंबन को आपने रखा रहने दिया, जैसे रेत मिली हुई है पानी में, तो रखा रहने दिया तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, मतलब सेटल डाउन, तुरंत सेटल डाउन हो जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, आपने थोड़ा सा नमक मिलाया,
पानी में, तो वो नपक अलग थोड़ी होगा, उसमें नहीं होगा ना, वो सेटल डाउन नहीं होता। ऐसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन आपका सेटल डाउन नहीं होता, और सेटल डाउन होता है तो बहुत टाइम बाद होता है उसमें, ठीक है। इसके बाद अपन डिफ्यूज की बात करें, डिफ्यूजन की बात करें, विसरण पार्टिकल जो है ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल है, उनका सॉल्यूट के पार्टिकल, उनका डिफ्यूजन विसरण बहुत फास्ट होता है, इधर उधर उसमें सॉल्यूशन में गति करते रहते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। सस्पेंशन में डिफ्यूजन आपका नहीं होता, पार्टिकल साइज वो है, आपके डिफ्यूजन नहीं होता। इसमें कोलोइडल में है विसरण, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, जो परिक्षिप्त प्रवस्था के पार्टिकल है, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं। इसके बाद है आपका विजिबिलिटी, कोलोइड जो ट्यू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल साइज, सॉल्यूट के पार्टिकल साइज इनविजिबल होते हैं, नहीं दिखते। अपन सिंपल माइक्रोस्कोप से देखें तब भी नहीं दिखेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें तब भी नहीं दिखेंगे। सस्पेंशन में आपके नॉर्मली आप रेत को पानी में पार्टिकल देख सकते हो, BSO4 डाल दो पानी में तो देख सकते हो, मतलब वो आप पार्टिकल साइज और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से या साधारण अपनी आंखों से अपन देख सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल वैसे आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन जो आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उससे आप कोलोइडल सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद फिल्टरेबिलिटी, सिंपल फिल्टर पेपर से आपका जैसे ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन है, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से, चाहे आपने फिल्टर पेपर नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया है या आपने फिल्टर पेपर लिया है कौन सा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली लिया है, तो उससे पार्टिकल का क्या होगा, पार हो जाएंगे उससे, मतलब फिल्टर हो जाएंगे उसमें, उसके फिल्टर को क्रॉस कर जाएंगे। सस्पेंशन में नॉर्मल फिल्टर पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज ही इतना बड़ा है तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसके बाद है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन में सामान्य फिल्टर पेपर से तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, परचमेंट मेम्ब्रेन है आपकी, उससे कोलोइडल के जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है वो आपके क्या, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका पोर साइज कम है और कोलोइडल पार्टिकल का जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है उनका पोर साइज साइज है, पार्टिकल का साइज ज्यादा है। इसके बाद अपीयरेंस, कोलोइडल जो ट्रू सॉल्यूशन है आपका, ट्रू सॉल्यूशन आपका क्लियर दिखता है आपको, एक ही प्रवस्था है, क्लियर दिखता है उसमें, ठीक है, क्लियर है। इसका सस्पेंशन का अपारदर्शी है, ओपेक्यू है, मतलब दिखता नहीं है सस्पेंशन। और कोलोइडल सॉल्यूशन में जनरली क्लियर, मतलब क्लियर भी है और नहीं भी, दोनों ही चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज आपको अभी बताया, कोलोइडल स्टेट में दो फेज होगी, एक तो परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस क्या है, उसके आधार पे आठ तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? डिस्पर्स्ड फेज कम वाली फेज है, दो फेज है ना, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। कम वाला जो है वो है आपका डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपण परिक्षिप्त प्रवस्था कम है, परिक्षेपण बहुत ज्यादा है, माध्यम बहुत ज्यादा है, परिक्षेपण माध्यम क्या है आपका ज्यादा है। तो सबसे पहले बात करें, थोड़ा सा सॉलिड, दो अलग सॉलिड होना चाहिए, दो एक सॉलिड और खूब सारा सॉलिड, इसे हम कहेंगे सॉलिड गैस, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल कहेंगे इसमें, दोनों ही परिक्षिप्त प्रवस्था भी सॉलिड है, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है, तो उसे हम कहेंगे सॉलिड सोल। जैसे कुछ जैसे रंगीन कांच है एंड जेम्स स्टोन है, ठीक है, और इस तरह के जो भी कलर्ड स्टोन है उसको हम कहेंगे, जैसे रॉक साल्ट है, रॉक साल्ट भी क्या आपका सेंधा नमक, आपका क्या है सॉलिड सोल है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अपन डिस्पर्स फेज की बात करते हैं। डिस्पर्स फेज में सॉलिड डिस्पर्स फेज है, थोड़ा सा सॉलिड है, लिक्विड खूब सारा लिक्विड है, तो उसे कहेंगे सोल, ठीक है, लिक्विड खूब सारा है, सॉलिड थोड़ा सा है, उसे हम कहेंगे सोल। जैसे आपका पेंट्स है, सेल फ्लूड्स है, एटसेट्रा। इसमें अगर लिक्विड पानी है, लिक्विड की जगह क्या है अपना पानी, तो उसे कहेंगे हम हाइड्रोसोल।
अगर बेंजीन है लिक्विड की जगह तो उसे कहेंगे बेंजोसोल, अगर एल्कोहल है तो उसे कहेंगे एल्कोसोल। इसके बाद तीसरा अपन देखते हैं, डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है। सॉलिड क्या है? थोड़ा सा, गैस खूब सारी, इसको हम कहेंगे एरोसोल। ठीक है, जैसे स्मोक है, डस्ट है, स्मोक डस्ट, स्मोक धुआं, धुआं उठता है तो उसमें कार्बन पार्टिकल क्या है? सॉलिड, कार्बन पार्टिकल सॉलिड है और वो जो बाकी सब पूरी गैस है। ठीक है, तो वो क्या हो गया अपना? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद अपना बात करते हैं, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, थोड़ी सा लिक्विड है, खूब सारा सॉलिड है, तो इसे हम कहेंगे जेल। जैसे आपका चीज, पनीर है, बटर है, जेलीज है एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्पर्स्ड फेज, इसमें आपका लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है, फेज और मीडियम। इसका एग्जांपल, इसे हम कहेंगे इमल्सन, पायस। जैसे आपका मिल्क है, हेयर क्रीम है, दोनों। मिल्क में क्या है? वाटर और फेट। फेट आपका क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। और वाटर क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, हेयर क्रीम, हेयर क्रीम में क्या है आपका? डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या है? वाटर, फेज वाटर है, थोड़ा सा वाटर है उसमें, और ऑयल, खूब सारा ऑयल है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम गैस। तो यहां पहले भी आया था, यहां पे डिस्पर्शन मीडियम गैस है लेकिन यहां पे सॉलिड था, और यहां पे डिस्पर्स फेज क्या है? लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो उसे एरोसोल, एरोसोल कहेंगे। यानी जहां भी डिस्पर्शन मीडियम आपका गैस है उसे क्या कहेंगे अपन? एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल। ठीक है, अब अपन इसका एग्जांपल है, जैसे फोग है, क्लाउड्स है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, उसमें क्या है? लिक्विड थोड़ा सा है, खूब सारी गैस है। फोग भी क्या है आपका? कोहरा है, उसमें सेम इसका एग्जांपल है। इसके बाद आपका है डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, उसे हम कहेंगे सॉलिड फॉर्म। लावा, लावा जो है आपका, और प्रोमाइस स्टोन, छावा पत्थर इसका एग्जांपल है, जिसमें थोड़ा सा गैस होता है मैक्सिमम सॉलिड होता है। लावा में भी थोड़ा सा गैस और मैक्सिमम आपका सॉलिड होता है। इसके बाद डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, जैसे आपका उसे कहेंगे हम फॉर्म, झाग, झाग होते हैं ना अपन, जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसमें क्या है? खूब सारा ऐसे सर्फ पानी में मिलाया तो झाग आया, उसको वो है, उसमें गैस खूब सारा और लिक्विड, इसे हम कहेंगे वोट झाग और वोट क्रीम, फैटी हुई क्रीम जो इसका एग्जांपल है। अब आपने इसमें जो आठ प्रकार के कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें आपने गैस और गैस नहीं देखा। आपको बताया कि कोलोइडल जो सॉल्यूशन है उसके लिए क्या है? हेटरोजेनस सिस्टम है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, दोनों क्या होने चाहिए? दो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन गैस और गैस दोनों में कोई भी गैस, अलग अलग गैस मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा, यानी होमोजेनियस सिस्टम आपका बन जाएगा। इसलिए गैस और गैस कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होते, है ना। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में कितना अट्रैक्शन है, कितना इंटरेक्शन है, उसके आधार पर कोलाइडल जो सॉल्यूशन है आपके दो तरह के होते हैं। इंटरेक्शन, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम के बीच में कणों के मध्य इंटरेक्शन है, खूब सारा इंटरेक्शन है, उसे हम कहेंगे लायोफिलिक, सॉल्वेंट लविंग कोलोइड्स। इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन बहुत कम है, उसे क्या कहेंगे अपन? लायोफोबिक, सॉल्वेंट हेटर्ड कोलोइड। लायोफोबिक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, और उसमें अट्रैक्शन है। जब अट्रैक्शन है इसका मतलब क्या है? इस तरह के कोलाइड सिंपल गोलो, उसमें जैसे गम, गम और पानी मिला दो, इंटरेक्शन खूब है, तो उसमें क्या होगा आपका? तुरंत कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा लायोफिलिक में। लायोफोबिक में तुरंत नहीं बनेगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, आपको विशेष विधियों का
प्रयोग करना पड़ेगा कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। जैसे आपका मेटल सोल है, गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल में गोल्ड सोल सॉलिड हो गया और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कोई भी कम इंटरेक्शन है, इसलिए इसे विशेष विधियों से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब एक बार आपने बना दिया कोलोइडल सॉल्यूशन, कौन सा लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया आपने, और डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर लिया, जैसे आपका स्टार्च है, स्टार्च को पानी में डाला और उसको गर्म कर लिया, तो आपका क्या बन गया, कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। अब आप उसको गर्म करके जाओ, पानी को इवेपोरेट कर दो, पानी को उड़ा दो, क्या बचेगा आपके पास, स्टार्च बचेगा। अब इसमें वापस पानी डाल लो तो वो तुरंत कोलोइडल, और गर्म कर लो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, मतलब एक बार कोलोइडल सॉल्यूशन आपने डिस्टर्ब कर दिया फिर बन जाएगा वो, कौन, लायोफिलिक, क्योंकि इंटरेक्शन है उसमें। लायोफोबिक में ऐसा नहीं होगा, लायोफोबिक में क्या होगा, एक पहले तो बनते हैं मुश्किल से, विशेष विधियों से बनाने पड़ते हैं अपन को, और बनने के बाद एक बार उसको डिस्टर्ब कर दिया फिर नहीं बनेंगे वो। ठीक है, इसलिए वो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हो गया आपके, इरिवर्सिबल कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद है ये स्टेबल है, इंटरेक्शन है डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के बीच में काफी अच्छा इंटरेक्शन है, तो अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए क्या है आपके ये स्टेबल है, और ये क्या है आपके अनस्टेबल, उसको थोड़ी देर रखा रहने तो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब है इसका एग्जांपल, जैसे गम है, जिलेटिन है, स्टार्च, एल्बुमिन इन वाटर, ये आपके लायोफिलिक कोलोइडल के एग्जाम्पल है। लायोफोबिक के एग्जाम्पल है कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन है आपके लायोफोबिक। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल कोलोइड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज क्या है, किस तरह के पार्टिकल है, उसके आधार पे कोलोइडल सॉल्यूशन आपके तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड का मतलब यह है कि इसमें डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं, उनका पार्टिकल साइज आपका 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब वो आपको कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, जिनके सोल्यूट के पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज क्या है आपका 1 से 100 नैनोमीटर। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड ऐसे कोलोइड है जिनका पहले से साइज कितना है आपका 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। जैसे आपके अपन बात करें एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, स्टार्च है, सेल्युलोज है, प्रोटीन है, ये मैक्रोमोलिकुलर है, नेचुरल अकरिंग मैक्रोमोलिकुलर है, तो ये है आपके कोलोइडल सॉल्यूशन। दूसरे आपका दूसरा एग्जांपल है मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली इस तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज का पार्टिकल जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो फिर वो कोलोइड कैसे बनाए, 1 से अधिक अणु आपस में जुड़ के और वो पार्टिकल साइज अपना कितना कर लेते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, उसे हम कहते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलोइड। जैसे आपका जो सल्फर का कोलोइड है, सल्फर का एक एटम है वो छोटा है 1 नैनोमीटर से, लेकिन आपने देखा C8 मॉलिक्यूल, ये जो है ना 8 C8 मॉलिक्यूल, ये आपके क्या है, मल्टीमोलिकुलर कोलोइड है। इसके बाद आपका है तीसरा तरह का कोलोइड है आपका एसोसिएट कोलोइड। एसोसिएट कोलोइड जनरली जिनकी अगर कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरह के कोलोइड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन पर्टिकुलर एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन, और निश्चित टेम्परेचर के बाद, जिसे हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, वो आपस में एसोसिएट होते हैं और क्या बना लेते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे आपका अपन बात करें सोप है, सोप क्या है आपका C17H35COONa, सोडियम स्टीरेट, उसमें आपका पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल होती है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है ये, और ये आपका पोलर हेड है। इसको पानी में मिलाया तो क्या हुआ, सोडियम अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, स्टीरेट अलग हो जाएगा। अब क्या होगा आपका,
इसकी एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद ये आपका जो है मिसेली बनाएंगे। मिसेली में क्या है आपका एसोसिएट, इसे हम कहेंगे एसोसिएट कोलेट। मिसेली आपको जैसे देख रहा है आपको यहां पे हाइड्रोकार्बन जो टेल है वो एक तरफ इकट्ठा हो गई और जो आपका पोलर हेड है वो एक तरफ इकट्ठा हो, इसे हम कहेंगे मिसेली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज कैसे आया आपको बताया लायोफिलिक कोलोइड है लायोफोबिक कोलोइड अभी बताया, तो लायोफोबिक कोलोइड पे एक्चुअली चार्ज क्या होता है लायोफोबिक कोलोइड पे होता है। कैसे आता है उस पे चार्ज, इसका एग्जांपल अपन लेते हैं। अगर AgNO3 को डायल्यूट AgNO3 सॉल्यूशन है आपका NaI में मिला दिया दोनों को तो क्या बन जाएगा आपका AgI का PPT। ठीक है, अगर इसमें आपने AgNO3 में एक्सेस में लिया है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड को एक्सेस में लिया है तो क्या बनेगा हमारे पास AgI का नेगेटिव सोल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सपोज ये AgI का क्या है मॉलिक्यूल है AgI का, उसके चारों ओर आयोडाइड माइनस आयन एडजोर्ब हो गए, आयोडाइड माइनस आयन एडजोर्ब हो गए। अब आप कहोगे सोडियम क्यों नहीं हुआ एडजोर्ब, आयोडाइड क्यों, इसका है ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रिफरेंस मतलब आयोडाइड को प्रिफरेंस मिली, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन प्राथमिक अधिशोषण। इसकी सतह पर आयोडाइड माइनस आयन आपके अधिशोषित हो गए, किसकी सतह पे पहले अधिशोषित हो गए कौन AgI की सतह पे, तो आपका बना AgI का नेगेटिव सोल। सोल क्यों है आपका, सोल क्या है डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। अब यहां पे आयोडाइड माइनस के कारण इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आया है, इसलिए हम इसे कहेंगे पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयन विभव निर्धारी आयन, क्योंकि ये इसका सोल का विभव निर्धारित कर रहा है, नेगेटिव सोल बना है पॉजिटिव सोल बना है ऐसे। नेक्स्ट है आपका अगर AgNO3 और NaI में AgNO3 को एक्सेस में ले लिया आधिक्य में ले लिया AgNO3 को तो क्या होगा AgI का PPT बनने के बाद उस पे AgIn किससे प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन से AgIn इसकी सतह पर AgI की सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे और वो जो आपका कोलोइड है सोल है वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहां पे कोलोइडल सॉल्यूशन क्या बन, कोलोइडल सोल क्या बन गया अब पॉजिटिव। ठीक है, तो ये प्रोसेस है ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज क्यों आता है ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के स्थायित्व को समझाने के लिए जनरली लायोफोबिक कोलोइड के स्थायित्व को हम बात करते हैं, तो लायोफोबिक कोलोइड जो है आपका स्थायी क्यों है। अभी आपने देखा कि एजी ऊपर वाला सोल की बात कर लेते हैं, इस पार्टिकल की किसकी, इस वाले पार्टिकल की अपन बात कर लेते हैं, AgI पे अधिशोषित कौन हो रहा है आयोडाइड माइनस और नेगेटिव सोल बन गया। ठीक है, तो यहां पे इसको देखें ये AgI मान ले AgI और इस पे क्या है आयोडाइड माइनस आयन अधिशोषित हो रहा है, अभी इसमें दिखाया हुआ नहीं है लेकिन आप ये मान लो आयोडाइड माइनस अधिशोषित हो रहा है, इसलिए इसको सरफेस जो चार्ज है ये क्या आएगा सरफेस चार्ज इस पे नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में कौन कौन है, सॉल्यूशन में देखो अपने पास इसमें एक्सिस में Na+ भी है आयोडाइड माइनस भी है थोड़ा सा। ठीक है, Na+ है आयोडाइड माइनस है, तो अब क्या होगा यहां पे कि इस नेगेटिव सोल जो आपका नेगेटिव सोल बना है उसके चारों ओर कौन अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव सोडियम आयन अट्रैक्ट होके एक कॉम्पैक्ट लेयर बनाएंगे, सघन लेयर बनाएंगे। ठीक है, एक टाइटली बॉन्डेड लेयर बनाएंगे जिसे हम कहेंगे स्टर्न लेयर। क्या कहेंगे इसे, स्टर्न लेयर कहेंगे अपन इसे। अब ये जो स्टर्न लेयर है और इस पार्टिकल के बीच में आपका एकदम टाइटली बॉन्डेड लेयर है। ठीक है, अब देखो यहां पे पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है माइनस और इसके चारों ओर कौन आ गए प्लस, बाहर कौन है अभी भी प्लस माइनस है खूब सारे हैं। अब ये माइनस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा
पॉजिटिव चार्ज को, इन पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? एजीआई का माइनस, ठीक है, और इन नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? सोडियम आयन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो रहा है और यहाँ पे ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव रिपेल हो रहा है, तो यहाँ ये बनेगी आपकी डिफ्यूज लेयर। पहले क्या थी आपकी? कॉम्पैक्ट लेयर। अब क्या बनी आपकी? डिफ्यूज लेयर। इसे हम कॉम्पैक्ट लेयर है, इसे हम कहेंगे स्टर्न लेयर। जो डिफ्यूज लेयर है उसे हम कहेंगे ग्रोथ चेतमान लेयर, ठीक है। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। जैसे जैसे अपन इस पार्टिकल से दूर जाएंगे, पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। इस ग्राफ को देखिए, यहां मिलीवोल्ट और डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकल सरफेस। पार्टिकल से जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी बल्क में जाएंगे, और दूसरे भी तो पार्टिकल है बल्क में, सॉल्यूशन में, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे, यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पे पोटेंशियल कम है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो क्या है? आपका सरफेस पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयन कौन है इसमें? इस सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयन कौन है? आई माइनस, ठीक है। अब यहां पे जो सरफेस पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? सरफेस ऑफ पार्टिकल एंड बल्क ऑफ सॉल्यूशन। पार्टिकल की सरफेस और बल्क के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका क्या? सरफेस पोटेंशियल। अब ये जो स्टर्न लेयर है आपकी, स्टर्न लेयर कॉम्पैक्ट लेयर है, स्टर्न लेयर और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टर्न लेयर एंड बल्क ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज स्टर्न पोटेंशियल, ठीक है। एक जीटा पोटेंशियल है। जीटा पोटेंशियल का मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? डिफ्यूज लेयर और बल्क ऑफ सॉल्यूशन। डिफ्यूज लेयर और बल्क ऑफ सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल है उसे हम कहेंगे जीटा पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हम कहेंगे जीटा पोटेंशियल। इससे हमने कहा स्लिपिंग प्लेन, स्लिप जैसे स्लिप करता है ना आयन, आयन स्लिप क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? यहां तो कॉम्पैक्ट टाइटली बॉन्डेड है, यहां स्लिप कर रहे हैं। स्लिप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या है? आपका रिपल्सन है, और इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है, इसलिए इसे हम कहेंगे स्लिपिंग प्लेन, ठीक है। तो ये है आपका, इस प्रोसेस इसको हम कहेंगे द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। डबल लेयर बनी, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर दोनों मिक्सचर, तो ये क्या है आपकी? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की? कोलोइडल सॉल्यूशन के गुणधर्म है, सबसे पहला है टिंडल इफेक्ट। आपने एक सेमी डार्क रूम देखा होगा जिसमें ऊपर से एक रोशनदान लगा रहता है, वहां से लाइट आती है, पूरा बीम आ गया लाइट का, और उसमें डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं, दैट इज द टिंडल इफेक्ट। देखा होगा ना आपने, जैसे कमरा बंद है, रोशनी आई उधर से खिड़की से, और वो जो उस पूरे बीम में, प्रकाश के बीम में आपको क्या दिखाई देंगे? डस्ट पार्टिकल, चमकदार डस्ट पार्टिकल, वो क्या है आपका? टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल सॉल्यूशन में भी सेम टिंडल इफेक्ट है। जैसे ही आप इसको टॉर्च से देखोगे कोलोइडल सॉल्यूशन को, तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है वो आपके ऐसे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, मतलब चमकदार पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, इसे हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन आपका क्या शो करता है? कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्यों आया आपका? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले अपन बात करें ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है आपका? परासरण है ना। परासरण में क्या है, आप सॉल्यूशन को सेपरेट करते हो किससे? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यहां देखिए आप, यहां पे अपने कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन है। इधर आपने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब आपको बताया था कि पर्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्पर्स फेज के पार्टिकल नहीं जा सकते ना, क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बड़ा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पोर साइज क्या है? कम है। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल इधर से नहीं जा सकते, ना तो इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं।
लेकिन सोल्यूट डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल वो तो छोटे हैं, वो तो जा सकते हैं। अब यहां पे अगर बात करें कि यहां अपन ने इलेक्ट्रोड लगाए, अब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वाटर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो वाटर किधर मूव करेगा, अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वो परसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, वैद्युत परासरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में अभी आपने ये देखा कि टिंडल इफेक्ट में जो पार्टिकल है वो चमकदार पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। अब उनको देखोगे ना तो पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, है ना, टकरा के जिगजैग मूवमेंट करेंगे, इस तरह का मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट, एक से टकराया फिर टकराया फिर टकराया, तो ये क्या है आपका जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का जिगजैग मूवमेंट, ये क्या है आपका ब्राउनियन मूवमेंट, और ब्राउनी मूवमेंट शो करता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में मान लो ये आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इधर आपने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया, इधर आपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया, तो अगर मान लो ये जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव सोल है तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आपके क्या होंगे, मूव कर जाएंगे सारे के सारे अपने से दूसरे चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे। अगर नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, अगर पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। किस वेग से गति कर रहे हैं उसे कहेंगे इलेक्ट्रो, मूव कर रहे हैं इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और किस गति से कर रहे हैं इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी। एक वोल्टेज पर सेंटीमीटर विभव प्रवणता में एक सेकेंड में कोलोइडल पार्टिकल की डिस्पर्स फेज कितना मूवमेंट करते हैं उसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी। नेक्स्ट आपका कोगुलेशन फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन मतलब स्कंदन, फ्लोकुलेशन मतलब आपका उर्णन। कोलोइडल जो सॉल्यूशन है आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन में आपने अभी बताया कि कोलोइडल लाइपोबिक कोलाइड है, उसके चारों तरफ क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अब आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया कोई, तो वो सारे के सारे न्यूट्रल होके एक साथ एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, उसे हम कहेंगे स्कंदन उर्णन। मतलब कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल सिस्टम है वो आपका क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, नष्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी, जैसे आपने NaCl डाल दिया, ठीक है, तो उससे क्या है, जो डबल लेयर थी, है ना, डबल लेयर थी वो डिस्टर्ब हो गई आपकी, और आपका सारा का सारा कोलोइड पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, पीपीटी बन जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कोगुलेशन फ्लोकुलेशन। अब है कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू, स्कंदन मान, उर्णन मान। किसी इलेक्ट्रोलाइट की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो कि एक लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर दे, स्कंदन कर दे, एक लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या कर दे, स्कंदन कर दे। मिलीग्राम में मात्रा किसकी, किसकी, आपकी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पे कोलाइडल क्या हो रहा है, स्कंदन हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, आपके पास मान लो दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका AlCl3 है, एक आपका NaCl है, तो AlCl3 थोड़ा सा मिलाने पे स्कंदन हो रहा है और NaCl ज्यादा मिलाने पे स्कंदन हो रहा है, है ना, तो स्कंदन वैल्यू, स्कंदन मान या कोगुलेशन वैल्यू किसकी ज्यादा है, AlCl3 की या NaCl की, NaCl की ज्यादा है, क्योंकि उसमें ज्यादा मिलाने पे, यानी वो स्कंदन मान ज्यादा हो गया, किसका, NaCl का। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट का स्कंदन मान, कोगुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू, उर्णन मान जितना कम है उतना ही वो क्या है, उसकी
प्रेसिपिटेटिंग पावर है, कोगुलेटिंग पावर है, उसकी अवक्षेपण क्षमता, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका हार्डी सूज नियम। हार्डी सूज नियम के अनुसार किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की आपकी जितना ज्यादा चार्ज है, जितना ज्यादा क्या है, चार्ज है, उसकी कोगुलेटिंग या प्रेसिपिटेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा है। कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग पावर क्या है, उसकी उतनी ही ज्यादा है। जैसे आपका Al+3 बेरियम स्क्रीन पे है ना, AlCl3 बेरियम सोडियम, ठीक है। तो Al+3 में तीन चार्ज है, अब उस नेगेटिव सोल में डालो इसको, तो क्या होगा, थोड़ा सा Al+3 डालते ही क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। यहाँ Na क्या डाल, ज्यादा डालना पड़ेगा। ऐसे अगर पॉजिटिव सोल है तो फॉस्फेट आए, फॉस्फेट थोड़ा सा डाल दो, सल्फेट थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, और क्लोराइड, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ रहा है उसकी कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड, लायोफिलिक कोलोइड, द्रव स्नेही कोलोइड का प्रोटेक्टिव एक्शन। क्या है प्रोटेक्टिव एक्शन आपका, आपको बताया कि लायोफोबिक कोलोइड स्टेबल है या लायोफिलिक कोलोइड, कौन से स्टेबल है, लायोफिलिक। क्यों है स्टेबल, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन है, किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में खूब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, और लायोफोबिक में इंटरेक्शन नहीं है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। उनको स्टेबल करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा, अपन को प्रोटेक्टिव कोलोइड मिलाने पड़ेंगे। प्रोटेक्टिव कोलोइड कौन से है आपके, लायोफिलिक कोलोइड ही प्रोटेक्टिव कोलोइड है। अगर आपने लायोफोबिक कोलोइड में प्रोटेक्टिव कोलोइड मिलाया तो क्या होगा, उसका अवक्षेपण कम होगा, वह ज्यादा स्थायी हो जाएगा, उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्यों बढ़ जाएगा, होता क्या है, जैसे यहां पे देखें आप, ये आपका लायोफोबिक पार्टिकल है, लायोफोबिक कोलोइड का डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, आपने इसमें लायोफिलिक डाला, तो लायोफिलिक के पार्टिकल जो है आपके इस पे सतह पर अधिशोषित हो गए, लूप बना लिया उन्होंने, इसकी सतह पर आके क्या बना लिया, लूप बना लिया, और उस लूप में वाटर मॉलिक्यूल है, डिस्पर्सन मीडियम के जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इस लूप में ट्रैप हो गए, ठीक है, ट्रैप हो गए। तो इस कारण इसका दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टच नहीं होंगे या अवक्षेपण नहीं होगा उनका, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स जो लायोफिलिक कोलोइड है वो पार्टिकल इस पे आए, इसकी सतह पे लूप बनाया, लूप में वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए, आपका कोलोइडल सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है आपका, ये है आपका प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द लायोफिलिक कोलोइड, गोल्ड नंबर। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या क्या है आपका, आपका जो स्टैंडर्ड गोल्ड सोल है वो रेड कलर का होता है, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। आपने स्टैंडर्ड गोल्ड सोल लिया 10 ml, कितना लिया, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल लिया, उसमें आपने कितना, 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो वो किस में चेंज हो गया, उसका अवक्षेपण हो गया। अवक्षेपण क्यों हो गया, क्योंकि अपन ने क्या डाला है, इलेक्ट्रोलाइट डाला है, किसमें, सोल में, तो अवक्षेपण हो गया और वो ब्लू कलर का हो गया, रेड किसमें चेंज हो गया, कलर ब्लू में। तो आपका गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर है आपका प्रोटेक्टिव कोलोइड का मिलीग्राम में वह मात्रा जो इसके कलर चेंज को रोक दे, यानी रेड से ब्लू कलर को रोक दे, यानी उसका अवक्षेपण रोक दे। अब कोलोइडल का गोल्ड नंबर पता चल गया आपको, गोल्ड नंबर क्या है कि इस जो स्वर्ण सोल है उसका अवक्षेपण रोक दे, कब, जब हम NaCl मिला रहे हैं 10% 1 ml NaCl मिला रहे हैं। अब जितनी मात्रा इलेक्ट्रोलाइट की, जितनी मात्रा कम होगी इलेक्ट्रोलाइट की, क्या है, जितनी मात्रा कम होगी, यानी जितना स्वर्ण संख्या कम होगा वो उतना ही प्रोटेक्टिव एक्शन है उसका, उतना ही अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड है वो, है ना। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिलेटिन का है 0.005
से 0.01 मिलीग्राम, स्टार्च का है 20 मिलीग्राम, हीमोग्लोबिन है आपका 0.03 मिलीग्राम, क्या है ये गोल्ड नंबर है। अब इसमें ये आप बताओ इन तीनों में सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन सा है, कौन सा, जिलेटिन है। देखो 0.005 है यहाँ पे, है ना, तो जिलेटिन है, उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन है, उसके बाद स्टार्च, ठीक है। तो गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे इमल्शन। इमल्शन आपको शुरू में बताया था, इमल्शन कब बनता है, जब दोनों फेज लिक्विड है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, दोनों क्या है आपके लिक्विड है। दो तरह के इमल्शन हो गए, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का क्या मतलब है, ऑयल इन वाटर का मतलब ये है कि ऑयल तो थोड़ा सा है, वाटर खूब सारा, जैसे आपका मिल्क, ठीक है, मिल्क फेट दो प्लेट होती है, उसके अंदर पानी होता है, ठीक है। इसके बाद आपका वाटर इन ऑयल, दूसरा क्या है, वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल में क्या है आपका, ऑयल खूब सारा है और वाटर आपका कम है। इसका एग्जांपल है कोल्ड क्रीम, है ना, कोल्ड क्रीम में वाटर थोड़ा सा है और आपका ऑयल ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका, आपने देखो यहाँ पे दो तरह के वाटर बेस में, देखो इसमें डायग्राम देखो, वाटर बेस में क्या है आपका, ऑयल थोड़ा सा है, वाटर ज्यादा है, और आपने इसको मिक्स किया तो क्या बन गया आपका, वाटर बेस इमल्शन। ऐसे ही आपका वाटर थोड़ा सा, ऑयल ज्यादा, वो ऑयल बेस इमल्शन बन गया। लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, इनको स्टेबल क्योंकि इसमें इंटरेक्शन नहीं है, एक तो पोलर है एक नॉन पोलर है, स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को इमल्सिफायर मिलाना पड़ेगा, पायसी कारक। इमल्शन मतलब पायस, और इसमें क्या बनाना पड़ेगा, पायसी कारक, जैसे आपका सोप, गम, प्रोटीन, अगर अगर। जैसे अपन बात करें, अभी बताया आपको सोप क्या है, सोडियम स्टीरेट है, C17H35COONa है। अब जैसे ही आपने इसमें सोप मिलाया तो ये सोडियम स्टीरेट मिलाया तो ये क्या करेंगे, ये टेल क्या है इसकी, हाइड्रोकार्बन टेल, नॉन पोलर है, और ये आपका CWO- क्या है, पोलर, पोलर है। तो जब इसमें अपन मिलाएंगे तो हेड किसकी तरफ जाएगा इस वाले सॉल्यूशन में, वाटर की ओर, क्योंकि पोलर, वाटर क्या है आपका, पोलर, और ऑयल क्या है आपका, नॉन पोलर, इसलिए इस तरह का आपका ये लेयर बन जाएगी इसकी, और इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाएगा उनका, और वो क्या हो जाएंगे आपका, स्टेबल हो जाएगा। उल्टा देखो, इसमें इसमें ऑयल बेस्ड है, ऑयल ज्यादा है, वाटर कम है। अब ये क्या होगा, उल्टा, यानी CWO- वाटर की तरफ जमा होगा, और ये टेल जो है किसकी तरफ होगी, ऑयल की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका इमल्शन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण कैसे करें, सबसे पहले परिक्षेपण विधियां हैं, मैकेनिकल डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मेथड। सबसे पहले मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन में आप सिंपल कोलोइडल मील है, उसमें पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए कोलोइडल सॉल्यूशन का, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो पार्टिकल को इस तरह पिसो, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को, कि उनका साइज कितना हो जाए, 1 से 100 नैनोमीटर। इस तरह के जो मील है, चक्की है, उसको हम कहेंगे कोलोइडल मील। ये किस में काम आती है, पेंट्स जो है, और इसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। दूसरा है आपका अल्ट्रासोनिक जनरेटर। ऐसे कोलोइड डिस्पर्स फेज जो, जिनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, जैसे आपका सल्फर है, रेजिन है, इनकी स्ट्रेंथ कम है, तो हम क्या करेंगे, 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक वेव से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। एक है आपका ये होगी, देखो ये कोलोइडल मेल है आपकी, ये आपका है अल्ट्रासोनिक जनरेटर है। इसके बाद है ये है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, इससे गोल्ड सोल बनाते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में मिलाया, इसे हम कहेंगे ब्रेडिंग आर्क मेथड। दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में मिलाने से क्या होगा, स्पार्किंग होगी, एनर्जी निकलेगी, जिससे क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, जो सोल मेटल सोल तैयार होगा, और इसे हम कहेंगे ब्रेडिंग आर्क मेथड। नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन, पेप्टाइजेशन। आपने अगर फेरिक क्लोराइड को पानी में डिजोल्व किया, ठीक है, तो क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, पीपीटी बनेगा उसका। तो आपका जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है
फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसमें आपने FeCl3 डिसॉल्व किया तो FeIn FeOH के चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे ड्यू टू कौन से डिसोशन से, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन से, और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा कौन सा, पॉजिटिव सॉल्व वाला। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंडेंसेशन मेथड। ये कंडेंसेशन मेथड मतलब ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या करेंगे अपन, सल्फर कोलोइड, आपको सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उसका ऑक्सीडेशन कर दो, एस्ट्रेस का ऑक्सीडेशन कर दो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपका सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन में आप क्या करो कि सिल्वर, इससे सिल्वर कोलोइड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन पास करो सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड में, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो तो सिल्वर सोल बन जाएगा आपका। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, फेरिक क्लोराइड को किसमें, गर्म पानी में डिसॉल्व करने पे आपका डार्क ब्राउन कलर का फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। इसके बाद डबल डिकम्पोजिशन, आयरन आर्सेनियस सल्फाइड का आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो आपको H2S पास कर दो किसके बीच में, आर्सेनिक ऑक्साइड और में H2S पास कर दो तो आर्सेनियस सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। विलायकन के परिवर्तन द्वारा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या है आपका एल्कोहल ऐड कर दो, सॉल्यूशन बना हुआ आपका फास्फोरस, फास्फोरस का जो बना हुआ है वाटर में सॉल्यूशन, उसमें एल्कोहल या एल्कोहल, एल्कोहल का सॉल्यूशन बना हुआ फास्फोरस में, उसमें गर्म पानी डाल दो तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल उठ जाएगा और फास्फोरस का कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। अभी जो बने आपके कोलोइडल सॉल्यूशन जैसे प्रिपरेशन, इसमें कई सारे इंप्यूरिटीज हैं, इन इंप्यूरिटीज को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है आपका डायलिसिस अपोहन, सिंपल है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाले पर्चमेंट बैग में कोलोइडल सॉल्यूशन को डाल दो तो उसमें क्या होगा, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल तो इधर उधर नहीं जा सकते क्योंकि साइज बड़ा होता है, लेकिन और इलेक्ट्रोलाइट है वो चले जाएंगे वाटर में क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, इनकी कंसंट्रेशन कम है। और फिर इसमें इधर देखो, यहाँ वाटर चेंज करते जा रहे हैं और इधर फ्रेश वाटर आ रहा है और इधर नया पुराना वाटर जा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस जो है आपका डायलिसिस ये स्लो प्रोसेस है, इसको फास्ट करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल इसी में दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव जो चार्ज है वो चले जाएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे और अपना जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आपको बताया कि सिंपल फिल्टर पेपर से तो अपना कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन आपका क्रॉस कर जाएगा, तो उसमें क्या है, पोर साइज उसका छोटा करना पड़ेगा, उसको जिलेटिन में डुबा दो, कोलोइडल कोलोइडियन में डुबा दो उसको, तो उसका पोर साइज छोटा हो जाएगा, फिर उस फिल्टर पेपर को हार्ड करने के लिए आप उसको फॉर्मेल्डिहाइड में डुबा लो, तो इस तरह आपका, जिससे क्या होगा आपके जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल तो उसमें क्रॉस नहीं होंगे लेकिन इंप्योरिटीज उसे क्रॉस कर जाएंगे। ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ आपका कोलोइड। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड। एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड में सबसे पहले फूड खाने में क्या है, जैसे मिल्क है, आइसक्रीम है, ये सारा कोलोइडल का एग्जांपल है। इसके बाद है मेडिसिन, मेडिसिन में आपका आजकल कोलोइडल कैल्शियम आ रहा है, कोलोइडल गोल्ड आ रहा है, तो जल्दी इंटैक्ट होते हैं जल्दी आपके बॉडी में। और नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल गुड, इंडस्ट्रियल गुड्स में पेंट्स है, सेलुलोज, गम्स, ये सारे कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, कोट्रेल अवक्षेपक क्या है आपका, जैसे इंडस्ट्रियल से खूब सारा धुआं निकलता है तो वहां जहां धुआं निकल रहा है वहां पे स्ट्रॉन्ग दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, उसमें काफी वोल्टेज उनको दे दिया, तो जो डस्ट, जो पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल है धुएं में, जो पार्टिकल है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है और उनपे चार्ज है, वो इस पे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो जो धुआं है वो क्या हो जाएगा, जो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, जब नदियां जब बहती हैं तो नदियों में जो क्ले के पार्टिकल है, सैंड के पार्टिकल है, वो भी साथ में बहते हैं, उस पे चार्ज होता है। ठीक है, बहने पे चार्ज आता है उस पे,
अब जैसे ही वो समुद्र में मिलेगी, समुद्र में क्या है, खूब सारा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है ना समुद्र में, नमक है पूरा का पूरा। अब उस नमक के कारण क्या है, वो सैंड पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल हो जाएगा, अभी बताया था। न्यूट्रल होने से क्या होगा, वो रेत वहां इकट्ठी हो जाएगी, मतलब एक बड़ा सा डेल्टा बन जाएगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इसके बाद है आपका प्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप आपका क्या है, वाटर, वाटर आपका क्या है, पोलर, और मेल आपका क्या है, ऑयल बेस। तो वाटर से अगर हम कपड़े धोते हैं तो क्या होगा, आपका ऑयल, मेल ऑयल है ना, ऑयल है, और वाटर में क्या है, मिलेंगे नहीं क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक है। अब आपने इसमें क्या डाला, साबुन डाला, साबुन क्या है, सोडियम स्टीरेट है, C17H35C00N, पोलर हेड नॉन पोलर टेल। तो क्या होगा आपका, अभी देखो उसमें डायग्राम बनाया था अपने इस तरह, इसमें पोलर हेड, ये यहां पे कौन आ जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट है ना, जैसे मेल है चारों तरफ, इसके पानी है, और इस तरह आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है मिसेली बन जाएगा, और आपका इन वाटर और ऑयल के बीच में इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाएगा, जिससे आपका क्या बन जाएगा, कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल और वाटर आपका डिजोल्व नहीं होता, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन से आपका क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसके बाद आपका है आर्टिफिशियल रेन। एक्चुअली क्लाउड क्या है आपके, क्लाउड वाट ऑयल लिक्विड इन गैस, लिक्विड कम है और गैस खूब सारा, मतलब वाटर ड्रॉपलेट है, क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट है और खूब सारा गैस है, उन पे चार्ज है, चार्ज होने से क्या होगा, सेम चार्ज है, वो आपस में पास नहीं आएंगे। अब इलेक्ट्रिफाइड सैंड डाल दो उस पे, तो क्या होगा, उनका चार्ज खत्म हो जाएगा, वो आपस में बैठ जाएगा और बारिश हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका है रबर प्लेटिंग, आपका जैसे केबल है, केबल पे जो रबर प्लेटिंग है आपकी, जनरली जो टूल्स है उस पे आपको उनको इंसुलेट करना है, तो क्या करना है, आपको उस तार को पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज करो उसको, और जो सल्फर, जो रबर पार्टिकल है, रबर पार्टिकल को आप क्या कर दो, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल है वो उस पे जाएंगे, तो क्या होगा, उस पे डिपॉजिट हो जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा, रबर प्लेटिंग। इसके बाद सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल में भी, सीवेज में भी क्या है, आपका चार्ज पार्टिकल है, टैंक है बड़े बड़े सीवेज के, वहां इलेक्ट्रोड लगा दो, तो जो पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे, और आपका जो, और उस जो इकट्ठा हुए उसे आप मैकेनिकल मेथड से अलग कर लो इलेक्ट्रोड से, तो आपका सीवेज डिस्पोजल है। आप नेक्स्ट है स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन जिसे आपने टाइटेनियम ऑक्साइड को एयर में डाल दो, टाइटेनियम ऑक्साइड क्या है आपका, सॉलिड, तो सॉलिड है ना, और सॉलिड इन एयर क्या बनेगा आपका, जब सॉलिड और एरोसोल बनेगा, तो ये है आपका स्मोक स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद आपका, सुनने के लिए धन्यवाद। ये चालू था कैसे, if there is any question, any question you... any question from any fellows, here is the professor Yogesh, take the questions. Thank you.